आपको पता है मेहंदी या रचने वाले शो हर एक फैंस के लिए सबसे इंटरेस्टिंग क्यों है? तीन बड़ी चीज सामने आई है क्योंकि शो, आप सभी को पता है कि कल मेहंदी रचने वाले की 6 महीने कंप्लीट हुई, मतलब हाफ ईयर कंप्लीट हो गई है शो की। जो फैंस उसमें तीन चीज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग रखे वो है झगड़ा, किसके झगड़ा, राघव पल्लवी के प्यारे वाले झगड़े, गुस्सा वाला झगड़ा, जो फैंस बहुत इंजॉय किए हैं, पहला। दूसरा स्टोरी लाइन, अभी तक की अनुपमा में जो अनुपमा हो जाए, घूमे किसी के प्यार हो जाए, ये सब शो की एक अलग स्टोरी है और ड्रामा है, मैक्सिमम ड्रामा एक साथ ही मिल जाती है। लेकिन मेहंदी रचने वाले में एक्शन थ्रू स्टोरी लाइन है जो अभी तक की कोई टेलीविजन शो में नहीं रखा गया है, ठीक है। तीसरा, ऐसा कुछ कॉमेंट्स था कि जो पल्लवी का रोल है वो विधवा थी, या तो बहुत सारे शोज में विधवा का रोल है। हाँ, विधवा का रोल जरूर है। मुझे एक बात बताओ, जिस तरह पल्लवी की हो या राघव की एक्शन मारपीट है, वो कोई से टेलीविजन शो में कोई भी मुझे गिना दो कि मैं सिर्फ क्राइम पेट्रोल और साउथर्न इंडिया वाले शोज को छोड़ के उसमें सिर्फ मारपीट ही चलता है। ठीक, उसको छोड़ दो। और जो फिक्शन हो, जैसे बोल सकते हैं कि CID हो गया, अर्जुन हो गया, हरिक, सब उस शो अलग लाइन पे, लेकिन ड्रामा, फैमिली ड्रामा शोज में एक्शन कितने शोज में रहता है, मैं गिन के 10 भी शो नहीं होता है, लेकिन इस शो में है जो इंजॉय कर रही है। तीन बड़ी रीजन है जो मेहंदी रचने वाली टॉप में चल रही है और फैंस दीवाने हैं इस शो के, है कि नहीं? प्रोडक्ट्स में कॉमेंट करना। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर जरूर करना। तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जय भारत।